नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है स्पर्श अग्रवाल और मैं हूँ दार्जिलिंग से। और मेरा नाम है ईशान कनौरिया और मैं कलकत्ता से हूँ। और आज हम आपके लिए लाए हैं दास्ताएं दार्जिलिंग और उसके साथ एक बहुत स्पेशल टी टेस्टिंग जो ईशान अभी रेडी करने वाले हैं। वाला कंटिन्यू द पिच। तो शार्क्स, दार्जिलिंग दो शब्दों से बना है, दोर्जे यानी कि थंडर और लिंग यानी कि जमीन। और दोर्जे टी इज इन गरजते बरसते बादलों के बीच उगने वाली बेहतरीन चाय की कहानी, क्योंकि यहाँ के मौसम के बदलते साथ साथ चाय का रंग, चाय की सुगंध, चाय का स्वाद भी बदलता है। और इस जादू के वजह से दुनिया भर में लोगों को दार्जिलिंग चाय का चस्का लगा हुआ है। आज के दिन इंडिया में 10,000 चाय बगान हैं, मगर इनमें से सिर्फ 87 ऐसे चाय बगान हैं जिन्हें दार्जिलिंग का दर्जा दिया गया है। अच्छा जी। मगर दुख की बात यह है कि मोस्ट ऑफ दीज गार्डन्स आर टुडे हेविली लॉस मेकिंग। दार्जिलिंग चाय का व्यापार हमेशा एक्सपोर्ट का व्यापार रहा है, मगर पेंडेमिक की वजह से ये ट्रेडिशनल व्यापार को बहुत जोर का धक्का लगा है। अक्सर जब बगान नहीं चलता है तो मालिक लोग इसको बेच के होटल और रिसोर्ट बना देते हैं। होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा उसका, पैसा तो अपने को चाय बेच के ही आएगा। चाय नहीं रहेगा तो दार्जिलिंग तो कहाँ सरवाइव करेगा। दार्जिलिंग की जो पहचान है वो चाय से ही है। मेरी परिवार दार्जिलिंग के चाय के बिजनेस में पिछले 4 से 5 पीढ़ी से है। ईशान और मैं हम लोग बचपन के दोस्त हैं, कलकत्ता में ही हम लोग पले बड़े हैं। ईशान मैं हम लोग छुट्टियों में हमेशा सेलेमिल जाते थे एंड इट्स स्प्रेड ओवर 1,000 एकर्स। वहाँ पे हॉर्नबिल्स भी हैं, एलिफेंट्स भी हैं। वहाँ के लोगों के साथ, उस चाय बगान के साथ एक बहुत गहरा लगाव हो गया है। उन गहरी यादों को बरकरार रखने के लिए हमने शुरुआत की दोर्जे की। दोर्जे टीज एक सब्सक्रिप्शन सिस्टम के माध्यम से दार्जिलिंग के बदलते मौसम की बदलती चाय को हमारे चाय बगान से आपके घरों तक पहुंचाती है। और ये सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनिक चाय दार्जिलिंग के मशहूर सेलेमिल चाय बगान से हम लक पैक और डिस्पैच करते हैं। शार्क्स, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो आप उनके पास जाके आप उन्हें कहेंगे, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफी विद मी। हम ये चाहते हैं कि आगे चल के हिंदुस्तान में जब लोग किसी को पसंद करें तो वो उन्हें पूछे, वुड यू लाइक टू गो आउट फॉर अ कप ऑफ दार्जिलिंग टी विद मी। शार्क्स, आज हम आपसे 30 लाख मांगने आए हैं इन एक्सचेंज फॉर 5% ऑफ आवर कंपनी। आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता हूँ, मगर क्योंकि चाय रेडी हो गई है, मैं आपको दार्जिलिंग एक बार लेके जाना चाहता हूँ। चाय ठंडी हो जाएगी। वेरी नाइस। नहीं, आपने पहले ही दार्जिलिंग की इतनी अच्छी सैर करा दी, बैठे बैठे वहाँ पहुँचा दिया। वेरी ट्रू। यू स्पीक रियली वेल। शुक्रिया। ओरेशन आई बिलीव इन एन एंटरप्रेन्योर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। आई वुड गिव यू 11/10। शुक्रिया। क्योंकि चाय ओवर ब्रू हो जाएगा, आई विल इंसिस्ट कि मैं यहां आ जाऊं एक बार। यू जस्ट प्रूव्ड अस राइट अगेन। आई लव इट। क्या मैं अनुपम आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आके ज्वाइन करें आप मुझे? श्योर। तुम्हें क्या, मैं टी ड्रिंकर लगा? हर साल स्प्रिंग के समय हमें सबसे पहली बारिश मिलना शुरू होती है दार्जिलिंग में। ऐसा लगता है जैसे कि वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। अरे हाँ। और उस चुपके से बाहर के साथ हमारी चाय की बुशेज फ्लश करने लगती है, इसलिए इसे फर्स्ट फ्लश यानी स्प्रिंग हार्वेस्ट कहते हैं। हम स्प्रिंग से जब मार्च महीने से मई में आते हैं, समर टाइम में एक स्पेशल नेचुरल फिनोमिनन होती है, थ्रिप्स बोल के एक इंसेक्ट होते हैं। थ्रिप्स के अटैक के वजह से वो टी बुशेस को ईट करते हैं और एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस चालू करते हैं बिफोर प्लकिंग। जो स्मेल आती है उसे एक स्पेशल मस्केटेल यानी कि कस्तूरी का स्मेल बोलते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा स्वीट है। यस, राइट। फिर हम समर सीजन से बारिश के सीजन में आते हैं, जुलाई अगस्त। बारिश के साथ हमारे दार्जिलिंग में तूफानों की शोर भी है, ढाबों की शहनाई भी बज रही है और उसके बीच में चाय का रंग गाढ़ा होने लग जाता है। इस चाय को दार्जिलिंग के सारे लोग बोलते हैं कि ये चाय पीने लायक नहीं है। आज हम आपको यही चाय सर्व करने वाले हैं।
ये चाय हम बहुत हाई टेम्परेचर में रोस्ट करते हैं, हम इसे रोस्टेड दार्जिलिंग कहते हैं। इसमें आप एक चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। इसे आप जरा स्मेल करिए, टेस्ट में एकदम स्मोकी टेस्ट आएगा। भाई मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ खड़े रहूँ, आपकी बातें सुनता रहूँ। आप इन्वेस्टमेंट बस भी दे दीजिए, मैं आपके घर आके आपको बातें सुनाऊंगा। करना पड़ेगा भाई, आपकी बातों के लिए यही करना पड़ेगा। I think bidding war होने वाला है। I know। मैं आपको दार्जिलिंग की सबसे रोमांचक कहानी जरा बताता हूँ। हर मौसम के एक फुल मून नाइट में पूर्णिमा की रात को सेलेमिल चाय बगान के सारे लोग मिलके मशाल हाथ में पकड़ के पहाड़ों में चलते हैं। And as the full moon comes out and the tea leaves are blooming, और हम लोग carefully सिर्फ two leaves and a bud, जो नेपाली में दुई पात एक सुइरो कहते हैं, उसे pluck करते हैं, delicately hand roll करते हैं, और उससे एक बहुत ही बेहतरीन white tea बनाते हैं। Monsoon से हम last final season में आते हैं साल के जाड़े में। ये साल की last harvest है और ये दार्जिलिंग की बेस्ट कैप सीक्रेट भी है। वेरी गुड। मैं आपको पहले एक टेस्टिंग करा दूं, ठीक है? आप एक बड़ा सिप लीजिए। बड़ा सिप लेने के बाद आप उसे अच्छे से स्लर्प करिएगा, ठीक है? घर पे तो मना करा जाता है ऐसे करने से। स्लर्प करने के लिए। अच्छा, वो आपने अनुपम को ही बुलाया है। नहीं भाई, इसको कन्वेंशनल तरीके से, कन्वेंशनल तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से पी। अनुपम प्लीज वंस मोर, मेरा मेकअप चला जाएगा, इतना मत रुलाओ। वी विल मेक यू टेस्ट ऑल द टीज एज़ वेल। फाइनली, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, चाय ले जाते हैं साथ में। वो मास्टर शेफ में होता था ना, जब वो खाना दिखाते थे और अच्छे से वो टेस्ट करते थे। वो वाली फील आ गई है, वो वाली फील आ रही है चाय के साथ आज। हम आपको देखने आए हैं और आप हमें पसंद आ गए। अब शादी की तारीख जल्दी पक्की कर दो। और हमारी एक प्रोडक्ट इनोवेशन भी है, कोल्ड ब्रू की, आप ट्राई करना चाहेंगे? मैं कॉफी का कोल्ड ब्रू पीती हूँ। ये बताओ, जो हम पी रहे हैं, पहले ये तो बता दो, ये है क्या? ये हमारी रोस्टेड ब्लैक टी। काफी ऑथेंटिक टेस्ट है चाय, और ऐसे कड़वी नहीं लग रही है। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग बट स्टिल वेरी स्मूथ। अच्छा एक बात बताइए, अभी आई एम अ वेरी टिपिकल, जो बोलते हैं ना, मैं बहुत गुज्जू हूँ अपने चाय के मामले में, तो मुझे मेरी अदरक, लेमन ग्रास, नहीं इलायची नहीं, फिर उसमें दूध डाल के ऐसे ही, मतलब दूध सागर, इंडियंस बहुत पर्टिकुलर होते हैं, तो अगर आप ऐसे बताओगे कि ये मॉनसून फ्लश है, इसमें ये दूध मत डालिए और ये मत कीजिए, तो आधे इंडियन क्या 70% वहीं गायब हो जाएंगे आपके कस्टमर्स, इंक्लूडिंग मी। हाँ, इंक्लूडिंग मी टू। मेरे को सबसे अच्छी पसंद चाय कौन सी होती है? 5 रुपए की जो कुल्लड़ की चाय होती है ना बाहर, कटिंग चाय मेरी फेवरेट है। See, you are amazing as a storyteller. But मैं story आपकी सुन के तो एक बार पी लूंगा, लेकिन मेरी habit नहीं change होगी। मैं completely आपके साथ सहमत हूँ। मैं ये नहीं believe करता हूँ कि हमें rules बनाने चाहिए कि आप चाय कैसे पीते। अगर आपको चाय में दूध डालना है, आप दूध डालिए। अगर आपको चाय में चीनी डालना है, आप चीनी डालिए। वो आपकी मर्जी। मगर जैसे कि आपने बोला नमिता, आप अपने दूध वाले चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। Very. वैसे ही इंडिया में जो लोग दार्जिलिंग चाय पीते हैं, वो भी अपने दार्जिलिंग चाय के बारे में बहुत पर्टिकुलर है। इंडिया का जो चाय का मार्केट है वो 1.2 लाख करोड़ का मार्केट है। दार्जिलिंग टी का मार्केट इसमें से सिर्फ 1% का मार्केट है। 1000 crores, अबाउट 1500 crores। अच्छा अच्छा, आप मुझे सिंपल बताइए कि आपका क्या विजन है, क्या बिजनेस है और क्या बनाना चाहते हो? 5 साल में हमारा विजन ये है, वी वुड लाइक दैट वी हैव 2 to 3 मे बी मोर लैक सब्सक्राइबर्स। ये जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, हम प्राइस किए हैं उसे एट 2100 rupees। पर्स इंडिया में सब्सक्रिप्शन एडवांस में पे करने वाला मॉडल, जो कोर ह्यूमन बिहेवियर है कि यू नो छोटे छोटे पैक्स में लेना, उसके अगेंस्ट है।
इतनी अच्छी प्रोडक्ट है, आप जबरदस्ती उनको सब्सक्राइबर बनाने के डिफरेंशिएशन में मत पड़ो, आप उनको प्रोडक्ट बेचो, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो रिपीट आएगा। 5 साल में आपको क्या लगता है कितना बड़ा धंधा बना लोगे? 5 साल में हम लोग को लगता है हम लोग 100 करोड़ कर लेंगे। आज आपकी रन रेट क्या है सेल्स? हम लोग का 11 लाख अ मंथ का रन रेट है अभी। तो ये साल आप अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़। अभी 1.5 से 5 साल में आपको 100 करोड़ पहुंचना है। आपने कहा आपका एक GTM है, गो टू मार्केट जिसे कहते हैं, कि आप 2 लाख सब्सक्राइबर लाओगे, वो शायद चले या ना चले वो देखना है। और कोई स्ट्रेटेजी है आपकी? By expanding the retail business को ही बढ़ाना होगा। तो आपके सपने बड़े, आपको अभी तक ये क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचोगे कैसे, बस ठान ली है कि कुछ ना कुछ करके दिखाना है, बड़ा काम करना है चाय के बिजनेस में। आप कितना कमाते हो इसमें? What is your gross margins? Gross margin हमारा 75% है। ठीक है, and net margins? अभी तो हम लोग loss कर रहे हैं। कितना loss कर रहे हो? 11 लाख का revenue पे हम लोग का cash burn था 2 लाख। आपने already funding raise किया है? हम लोग ने total 8.5 crore raise किया था। 8.5 crore? मगर उसमें से 6.5 crore हम लोग ने ब्रांड कैपिटल से रेस किया है। ओह माय गॉड। बाकी का 2 crore है वो हम लोग ने एंजल इन्वेस्टर्स और HNI से रेस किया। क्या वैल्यूएशन पे रेस? वो हम लोग ने वैल्यूएशन अप टू 32 crore कन्वर्टेबल रेस किया। राइट, और इसमें से कितने पैसे बचे हुए? सॉरी लास्ट क्वेश्चन, इसमें से हमारे पास अभी 20 से 25 लाख है बचे हुए। तो आपके पास 6 महीने का रनवे बच गया, फिर क्या करोगे आप? इनकी तरफ देखते हो when it comes to business, तो is he just to understand the roles? Yeah, I think he's the business guy, he's the product guy, आप business guy ये। All final decisions हमेशा ईशान लेते हैं। तो CEO कौन है? CEO ये। आपकी equity split कैसे है? 50-50। चलिए आप ही से पूछते हैं। आप अपने business को बचाओगे कैसे? In the last 3 months, हम लोग ने पूरा एकदम ठीक से फिगर आउट किया है, जैसे कि क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, किसको हम लोग, who's actually our target customer and everything. And right now is the part where हम लोग का वो ग्रोथ जर्नी शुरू हुई। मैंने ना अपना डिसीजन बना लिया है। आपकी चाय बहुत अच्छी है, आपका मिशन बहुत अच्छा है। मेरे को विजन थोड़ा छोटा लगा अपनी तरफ से कि 100 crore in 5 years with this business and burning with that kind of capital. So for that reason, I'm out. But wish you all the best. Thank you. मुझे लगता है कि आपके विजन में एक डिस्कनेक्ट है। तो आई थिंक ऑफ योर बिजनेस इज, मैं कभी दार्जिलिंग गई नहीं, तो वहाँ जाए, बगान देखे, ये पूरा एक एक्सपीरियंस करें और फिर एक मास प्रीमियम प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। आपका विजन बिल्कुल अलग है कि आपको कटिंग चाय और कुल्लड़ चाय और मेरे दूध वाली चाय के साथ कम्पीट करना है। तो आई थिंक एक डिस्कनेक्ट है, तो उस वजह से आई एम आउट। बट आउटस्टैंडिंग स्टोरी टेलर, लव दैट। मुझे लगता है कि ब्रांड में स्टोरी टेलिंग आजकल, बिकॉज हमारे पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एक बहुत पावरफुल वेपन है हमारे पास टू रीच कंज्यूमर्स। तो वाइल आप मुझे लगता है थोड़ा भटक गए हो सब्सक्रिप्शन एंड यू नो ये सारे रास्ते पे, आई एम विलिंग टू कम ऑन बोर्ड 30 lakhs फॉर 10%। कांग्रेट्स मैन, गुड ऑफर। मैं अगर आपकी जगह होता, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस पिच, बट आप क्लियरली बोल सकते हो कि हमें मतलब एक प्रीमियम आईवेयर ब्रांड बनना है। सॉरी, मैं क्या बोलूं? वेलकम टू लेंसकार्ट। एक प्रीमियम टी, एक प्रीमियम टी ब्रांड बनना है, बट नंदलेस हम ना अभी स्पर्श के फैन हो गए हैं सर, तो हम तीनों मिलके आते हैं, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, और हम एज इक्विटी प्लस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आना चाहते हैं। 30 लाख देंगे, 10, 10, 10 each, but we want 5% each, 15%. आपकी उम्र क्या है? ये पूछी नहीं। मैं 25 साल का हूँ। मैं 24 साल का। लगा मुझे, you are in your early 20s, you are on life support. तो हम सिर्फ थोड़ा सा रनवे दे रहे हैं और एक तुक्का ले रहे हैं। इतना बड़ा पर्पस जो आपने लिया है,
कि हमारे दार्जिलिंग टी की परंपरा को कायम रखना, उसमें हम सपोर्ट करना चाहते हैं। अगर आप हाँ कहते हैं, वी आर ऑन बोर्ड, इफ यू से नो, वी विल विश यू द बेस्ट, आपके टी गार्डन जरूर आएंगे आपसे मुलाकात करने। एक मिनट दे सकते हैं आप हमें सोचने के लिए? अगर वो थोड़ा नेगोशिएट करते तो कर लेते हैं, मतलब आई थिंक थोड़ा सा रूम है। अरे यार, दिस खत्म है कंपनी, आप कर लो पहले। आप लोग बोल रहे हो कि अगर मान लो 15 की जगह वो 10 बोलते हैं तो नहीं करना है। अगर 15 में अगर वो 10 होता है तो मैं बाहर हूं। किसमें? अगर 10 में करने जाते हैं, आप भी बाहर हो। वर्स्ट केस आई विल डू इज 12। योर्स इज 12, योर्स इज 15। नहीं, 12 पे भी कर लेंगे। आप 12 से नीचे नहीं जाओगे? मैं 15 पे ही करूंगा। हां, मुझे भी यही लगता है। Welcome back, guys. Ishan and Sparsh, welcome back. मैंने आपको पहले ही कह दिया था, नॉन निगोशिएबल है, तो सोच समझ के बोलिए। हाँ, बोल। एक कंडीशन है, अगर आप उन्हें भी कन्विंस कर सकते हैं आपके साथ सेलेमिल चाय बगान आने के लिए, जब आप आएंगे तो डील पक्की है। गुड डिसीजन, गुड डिसीजन। लॉन्ग टर्म चलेंगे, कोई 3-4 महीने में नहीं। एंड वी विल मेक दिस अ बिग ब्रांड। और मेरे घर में तो अब यही चाय आएगी भाई। एब्सोल्युटली।